इस वक्त की बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें जिले के बेलतरा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में अंबिकापुर से रायपुर शामिल होने जा रही बस का सुबह 5 बजे नेशनल हाईवे पर ट्रेलर से टकराकर जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ये बड़ी खबर बिलासपुर से आप देख रहे हैं, जहां रतनपुरा थाना क्षेत्र के बेलतरा के पास सुबह 5 बजे ये हादसा हुआ है, जहां आपको बता दें सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से बस टकरा गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें बस में सवार 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आप बिलासपुर से देख रहे हैं, जहां पर 12 लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं पर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 47 लोग सवार थे, जिसे अन्य राहगीरों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को रतनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती करवाया। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर आप बिलासपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने जा रहे हैं लोग, आपको बता दें बस से हादसे का शिकार हुए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इसी को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मुआवजे की घोषणा करते हुए ट्वीट किया, लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में शामिल होने जा रही बस की दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा करता हूं। आपको बता दें मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राशि की घोषणा की गई है। ये हादसा इतना भीषण था कि बस का अधिकांश हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर बचाव टीम पहुंची हुई है, स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक जानकारी में बारिश के बीच ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें बस का ये इंसिडेंट सुबह 5 बजे हुआ है, बस खड़े हुए ट्रेलर से टकराई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। बस में सवार 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं और बस में कुल 47 लोग सवार थे।